हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू करियर गाइडेंस आज का हमारा टॉपिक है सीमेट के रिगार्डिंग सीमेट स्टूडेंट्स एक ऐसा एग्जाम है जिस जो कि आपके जितने भी इंडिया के अंदर बिजनेस स्कूल्स हैं उसमें आपका ये सीमेट का स्कोर एक्सेप्टेबल रहता है इसका फुल फॉर्म है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो कि पहले ए कंडक्ट करवाता था साल में ये दो बार कंडक्ट होता था स्टूडेंट्स बट अब ये एक बार कंडक्ट होता है वीडियो को पूरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स सीमेट का जितना भी डिस्कशन है इस वीडियो में फुल मैंने कवर किया है अगर आपको प्रोफेशनल्स अगर आपको जॉब अगर आप कर रहे हैं और आप मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत सारे बच्चों ने क्वारी की थी मेल्स किए थे कि मुझे मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना है कौन सा

को स्टार्ट हो गया था एंड इसकी लास्ट डेट जो कि है वो थर्टी जनवरी अभी भी आपके पास टाइम है अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं सी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं सी का जो एग्जाम है वो दो शिफ्ट में होता है बट एक ही बार कंडक्ट होता है ट्वेंटी सेकेंड एंड ट्वेंटी सेवेंथ फेरवरी को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसका रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा एप्लीकेशन फी में बात करें तो जनरल कैटेगरी की इसकी फीस आपकी टू थाउजेंड बॉयज़ के लिए है एंड फीमेल्स के लिए आपकी वन थाउजेंड रखी गई है ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एस सी एस टी जितने भी हैं उनके लिए वन थाउजेंड है गर्ल्स के लिए भी वन थाउजेंड एंड ट्रांसजेंडर में भी आपकी वन थाउजेंड फीस रखी गई है क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना कंपलसरी है एंड उसके बाद आप इसमें एग्जाम में अपियर हो सकते हैं या फिर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो वीडियो एंड तक देखिए एग्जाम पैटर्न को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी एग्जाम पैटर्न बात करें तो ये ऑनलाइन का एग्जाम ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका तीन घंटे का एग्जाम होना है इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है इसमें मार्किंग स्कीम की बात करें तो फोर मार्क एवरी क्वेश्चंस एंड मार्क नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट्स में बात करेंगे तो क्वांट आपका ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जनरल अवेयरनेस के 25, 25, के लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज करेक्शन किए जाते हैं ये आपके चार सेक्शन है स्टूडेंट्स ये चारों सेक्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको सीमेट एग्जाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा सीमेट का आपका कट ऑफ क्लियर होना बहुत ही आसान है ये चार सेक्शन है तो स्टूडेंट्स अगर अगर आपको बी स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो सीमेट का एग्जाम जरूर आप अपियर होइए इसका एग्जाम आप दीजिए और ये जो फॉर्म की फीस मैंने सब कुछ बताया तो बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती है बहुत ही माइन्यूट फीस है आप ये सी मैट का एग्जाम लेकिन जरूर दीजिए अगर इसके बिना आप किसी भी बी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा लेकिन अगर आप ये एग्जाम देने के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप इस स्कोर के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज में तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव एक अच्छी चीज बताती हूं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड मुझे मेल्स करते रहिए थैंक यू